सरकारी तो इंडिया करे अड्डा ट्वेंटी वाली हूँ आपके रीट मीन की सेकेंड क्लास है तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको जो करा रही हूँ मेन क्वेश्चंस करा रही हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ हाल के टाइम पे ठीक है बट उससे पहले आप सभी को क्या कर लेना है अगर आप कुछ भी आ, अच्छा सा पढ़ना चाहते हैं या फिर पेड क्लासेस के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप सभी को क्या करना है आपको डाउनलोड कर लेना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल ऐप को जहां पे आपको क्या मिलेगा आपको ढेर सारा तो स्टडी मटेरियल मिलेगा ठीक है आपका जो करंट अफेयर्स का मटेरियल है वो भी आपको वहां पे मिलेगा जॉब अलर्ट्स आपको मिलेंगे डेली क्विजेज आपको मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज क्वीजेज मिलेंगे मेन चीज क्या है सब्जेक्ट वाइज क्विजेज मिलेंगे उसके अलावा मैगजीन्स जो आपकी होती है वीकली जो होती है मंथली जो होती है ईयरली होती है सारी मैगजीन्स आपको वहां पे मिलेंगी ठीक है पावर कैप्सूल्स आपको मिलेंगे वहां पे ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए नोट्स और आर्टिकल्स मिलेंगे और साथ में आपकी वीडियोस मिलेंगे देखो हम तो आपको पेड क्लासेस के अंदर लाइव होते ही होते हैं ये वो चीजें हैं जो आपको विदाउट एनरोलिंग मिलती है ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और अगर आप पेड बैच लेते हो तो वहां पर आपको लेटर ऑन लाइव के साथ साथ बाद में रिकॉर्डेड भी मिलती है ठीक है चलो अभी अगर मैं बात करूं आगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना राजस्थान को को चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है नीचे एक लिंक है आपका यहां पे लिखा होगा राजस्थान ट्वेंटी फोर सेवन ऑफिशियल कर देना आप सभी को ठीक है चलो और आज मैं आपको क्या कराऊंगी आज है आपका क्लास थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चलो तो पहला प्रश्न है कि कृत्रिम उर्वरक के सामान्य रूप से नाइट्रोजन फोर्सफोरस का एक तीसरा तत्व कौन सा होता है पहला है सोडियम कैल्शियम पोटाशियम, बैरियम बताओ जल्दी से यहां पे आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा आंसर आपका तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से आपने सुना ही होगा नाइट्रोजन फोस्फोरस साथ में आपका क्या चाहिए प्लांट्स के अंदर पोटाशियम चाहिए क्या चाहिए साथ में आपको पोटाशियम चाहिए तो आपका यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, हो जाएगा भाई पोटासियम हो जाएगा ठीक है चलो गुड इवनिंग भी गुड इवनिंग हर्षिता गुड इवनिंग विराट गुड इवनिंग डैड की छोरी गुड इवनिंग ओके चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं अगला है कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग टम्बल जिसको बोलते हैं उनको ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे पहला है कि बाहरी मग्गे पर ठंडी पानी डालकर या फिर अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर या फिर दोनों मग्गों को ठंडे पानी में रखकर या फिर ठंडे पानी के उपयोग से हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपके घरों में दो ग्लास है ठीक है आप बर्तन साफ कर रहे हो या फिर आप कोई मेहमान आया है वहां पे ग्लास रखे तो आप क्या करते हैं एक ग्लास के अंदर दूसरा ग्लास डाल देते हैं कई बार वो ग्लास आपके अलग नहीं होते हैं है ना तो उस केस में आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं वो यहां पे पूछा है जल्दी से आंसर कर देंगे यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा बहुत ही इजी आंसर यहां पे है ठीक है बताओ जल्दी से तो भाई यहां पे हम क्या करेंगे हम अंदर के मग्गे के अंदर क्या डाल देंगे पानी डाल देंगे क्या करेंगे अंदर वाले के अंदर ठंडा पानी डाल देंगे हम ठीक है उसके रिजल्ट में क्या होगा उसके इन बिटवीन जो थोड़... ओ। थोड़ी बहुत आपके अगर बीच में एयर मौजूद है तो वो आपके एयर पार्टिकल्स आ जाएंगे जो कि आपकी लेटर ऑन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फिर वो आपको इजीली एक आपको ल्यूब्रिकेंट टाइप मिल जाएगा वहां पे अलग करने के लिए ठीक है चलो नाम नहीं हां जी शिवानी राजपूत किसने कहा मैं आपका नाम नहीं लूंगी बिल्कुल नाम लूंगी मैं आपका आगे है कि यह किसके सर्वप्रथम प्रतिपालित किया था कि सूर्य हमारे सोर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है सबसे पहले किसने बताया था कि भाई हमारा जो है सन सेंटर है और जो सोलर सिस्टम है वो आपका साइड में घूमता है मेन तो सन ही है और साथ में जो अर्थ है वो इस सेंटर के चारों तरफ घूमती है किसने बताया था न्यूटन ने गैलीलियो ने पनीनी ने या फिर आपका कॉपरनेक्स ने बताओ बताओ जल्दी से किसने किया था कॉपरनेक्स ने किसने किया था भाई ने किया था यहाँ पे तो आपका आंसर आंसर क्या क्या हो 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 जाएगा यहां पे। क्या हो जाएगा हो जाएगा जाएगा पे पे डी डी आगे है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है आर द द रीजन फॉर ऑफ इन ओशन पहला है सूर्य के प्रभाव से या फिर पृथ्वी के घूर्णन गति से या फिर सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से या फिर गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से बताओ जल्दी से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा नमस्ते भाई संदीप जी नमस्ते बहुत सही वेरी गुड बहुत सही हर्षिता जल्दी बताओ भाई देखो भाटे को तब भी हम ऐसे कहते हैं ना इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के कारण जो सागर के अंदर जलीय लहर उठती है उसको हम कहते हैं जवार भाटे तो आपके ये सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही संयुक्त प्रभाव से होती है तो आंसर आपका सी हो जाएगा डी नहीं होगा यहां पे डी बिल्कुल भी नहीं होगा यहां पे आगे है कि गांव में एक बड़े पात्र में दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है यानी कि जब आप देखते हैं कैसे निकालते हैं मत तेरा ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं या फिर एक कैसे चीज घूमती रहेगी आपकी आप रई जिसको बोलते हैं उससे मक्खन आ जाता है वहां पर कौन सा फिनोमिना काम कर रहा है आपका विसरण डिफ्यूजन डिकटेशन अप्रन सेंट्रोफ्यूगेशन या फिर अपोहन डायलिसिस बताओ जल्दी से कौन सा आ जाएगा यहाँ पे आंसर आपका बहुत ईजी है बहुत इजी है कुछ भी नहीं है यहां पे अलग से दिख रहा है आंसर अलग से आंसर दिख रहा है आपके इंद्रन बहुत सही बहुत सही वेरी गुड वेरी गुड ठीक है हाँ सही हो जाएगा भाई आपका अपकेंद्रण सी आंसर यहां पे सही हो जाएगा सेंट्रफिगेशन कई बार आपसे वॉशिंग मशीन का फिनोमिना पूछ लिया जाता है कि वॉशिंग मशीन जो होती है वो किस फिनोमिना पे काम करती है वो आप, वो आप भी आपकी पे काम करती है यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर होना है वो सही होना है आगे है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑन विच प्रिंसिपल द जेट इंजन वर्क पहला है द्रव्यमान संरक्षण फिर है ऊर्जा संरक्षण फिर है रेखीय संवेग संरक्षण फिर है कोणीय संवेग संरक्षण बताओ जल्दी से आज शिवानी को क्या हुआ है कुछ नहीं हुआ है अच्छा चलो बिलोने का यही सिद्धांत होता है तुम तो नहीं बिलो देते किसी को बताओ जल्दी से तो यहां पे जो आंसर आना है वो आना है सी वाला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सी होना है ठीक है चलो तीन तीन क्लासेस लाइव है देखो तीन तीन क्लासेस लाइव होंगी परंतु तीनों ही अलग अलग सब्जेक्ट की होंगी मेरी रीट की है वहां पे हाई कोर्ट एल डी सी हो रहा होगा या फिर आपका जूनियर अकाउंटेंट हो रहा होगा मतलब कि तीनों अलग अलग एग्जाम्स की आपकी है ठीक है चलो इसी के साथ अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्व बल अचानक लुप्त तो हो जाए तो निम्न में से सही कथन होगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा या फिर वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा ठीक है वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों ही शून्य हो जाएंगे या फिर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा बताओ अगर ग्रेविटी ही निकल जाए तो फिर क्या हमारा वहां पे रह जाएगा बताओ जल्दी से कौन सा यहाँ पे सही कथन है

भार वेट तो जीरो हो जाएगा और आपका द्रव्यमान यानी कि मास वही रहेगा आगे है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए किसने किया भाई आपका मोशन ऑफ प्लेनेट न्यूटन कैपलर गैलीलियो कॉपरनेक्स बताओ जल्दी से छाछ भी लोते हैं अच्छा छाछ भी तो दही से ही बनेगी ना हर्षिता कोई बात नहीं भी हो जाएगा सही हो जाएगा पढ़ोगे तो सब सही हो जाएगा बताओ जल्दी से कैपलर नहीं हर्षिता कैपलर हो जाएगा यहां पे आंसर क्या हो जाएगा कैपलर हो जाएगा यहां पे आपका आंसर ठीक है चलो आगे है कि सूची एक से सूची बी को मिलाना है और यहां पे आपके कूट हैं है एबीसीडी में थोड़ा पास पास है पर दो एक चार तीन आपको मिलाना है इसमें किसका क्या सही है ठीक है का दो बी का एक चार का ये थोड़ा गैप नहीं रहा ये थोड़ा पास पास हो गया मैनोमीटर अच्छा मैनोमीटर के लिए क्या करते हैं हम मैनोमीटर के लिए क्या करेंगे भाई हम मैनोमीटर से क्या मापते हैं ये मापते हैं गैस का दाब ठीक है अच्छा फैदोमीटर फैदोमीटर से क्या करते हैं भाई हम से क्या करते हैं समुद्र की गहराई मापते हैं चलो दो एक फिर है क्रायोमीटर यह आपका निम्न तापमान होता है चार डीजोमीटर तीन यानी कि दो एक चार तीन एक वाला ही कूट सही हो जाएगा ठीक है चलो आगे तरंग धैर्य अधिकतम होती हैं पराबैंगनी की अवरक्त की दृश्य प्रकाश की गामा किरण की बताओ जल्दी से यहां पे किसकी तरंग धैर्य अधिकतम होएगी भैया बहुत इजी प्रश्न है तरंग धैर्य वेव अलग से आंसर दिख रहा होगा यहां पे आपको अब अव... अवरक्त और इसको ढूंढने वाले कौन थे इसको ढूंढने वाले थे हर्षेल किसने ढूंढी थी आपकी तरंग धैर्य भाई आपकी इंफ्रारेड वाली हर्षेल ने किसने हर्षेल ने आगे है कि ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है आयाम पे आवृत्ति पे तरंग धैर्य पे चाल पे ये बताना है पिच जो होती है ना साउंड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बताओ जल्दी से बिल्कुल सही अर्शिता देखो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आवृत्ति पे आवृत्ति पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है आगे है कि घरेलू विद्युत मूलत श्रेणी संबंधन होते हैं समांतर संबंधन होते हैं श्रेणी में समांतर दोनों का संयोग होता है या फिर प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंध और अन्यत्र समांतर संबंध होते हैं तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका हमेशा डोमेस्टिक के अंदर समांतर होता है क्या होता है डोमेस्टिक के अंदर समांतर होता है अब समांतर के अंदर जो है भाई आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ये चीज आप याद रखेंगे ठीक है चलो ओके ठीक है विराट ओके सविता बैनीवाल चलो आगे है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है कौन सी युक्ति है भाई जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है प्रेरक यानी कि इंडक्टर डायनमो या फिर ट्रांसफर या फिर मोटर बताओ जल्दी से इजी है कुछ भी नहीं है इसके अंदर ओके शिवानी वेलकम बैक मोटर hmm. मोटर हो जाएगा यहाँ पे आंसर मोटर को क्या देते हो मोटर कोई भी पानी वाली मोटर है क्या देते हो लाइट देते हो वो बदले में पानी चढ़ा देती है यानी मैकेनिकल काम कर देती है तो यहां पे आंसर आपका डी होगा ना कि बी बी नहीं होगा डायनामो का काम ये नहीं होता है क्या कर रहे हो डी होगा चलो आगे है कि कंप्यूटर आंकड़ों में गर्थ को में से क्या कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रॉन्ग इन कंप्यूटर डाटा चिप बाइट बग बिट। बताओ बताओ, क्या कहते हैं अगर कोई वहां पे रॉन्ग डाटा है तो हम क्या कहते हैं बग है वहां पे। क्या है बग है वहां पे बग बग है आगे कि कंप्यूटर की समृद्धि को प्राय किलो या फिर मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है तो एक बाइट क्या है आठ बाइनरी अंक या फिर दो बाइनरी अंक या फिर आठ दशमलव पद्धति वाले अंक या फिर दो दशमलव अंक बताओ जल्दी से तो यहां पे आपका हो जाएगा आठ बाइनरी अंक एट बाइनरी एट आगे है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होता है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है भार शून्य होता है द्रव्यमान शून्य होता है भार अपरिवर्तित रहता है द्रव्यमान व भार दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं बताओ अगर पृथ्वी के बीचों बीच हम अगर कोई चीज रख देते हैं तो वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपका बीचों बीच रखने में तो देखो ये चीज तो मैं आपको बता चुकी हूं कि भाई बात ऐसी है कि द्रव्यमान तो आपका हमेशा ही अपरिवर्तित रहेगा कभी भी चेंज नहीं होगा परंतु क्योंकि आप बीचों बीच लेके जा रहे हो वहां पे तो ग्रेविटी इतनी वर्किंग नहीं होगी तो मतलब कि वहां पे जीरो हो जाएगा आपका वेट तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा आगे है गन मेटल किसकी मिश्र धातु है गन मेटल किसकी मिश्र धातु है पहला है निकल, टिन और तांबे की, तांबा, फोस्फोरस, और निकल की, फोस्फोरस और निकल की तांबा टिन और जिंक की बताओ जल्दी से ओके शिवानी ओके प्रश्न मत नोट करो ऐसे कैसे मैं आपको भेज देती हूँ ग्रुप पे प्रश्न मत नोट करो प्रश्न मत नोट करो आंसर्स कर सकते हो डेट वाइज डाल के का ए। बहुत गलत आंसर दिए हैं नहीं तांबा टिन और जिंक निकल नहीं होता उसमें टिन की जगह यहां पे जिंक हो जाएगा निकल नहीं होता निकल नहीं होता डी आंसर हो जाएगा यहां पे, डी ठीक है चलो आगे है कि उन श्रा उन शराब त्रासदियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है कि भाई अल्कोहल ट्रेजडीज जिसके अंदर ब्लाइंडनेस बढ़ती है उसका हार्मफुल सब्सटेंस क्या है किसकी वजह से वो होता है इथाइल अल्कोहल, एमाइल अल्कोहल, बॉटल अल्कोहल या फिर मिथाइल अल्कोहल? बताओ बहुत इजी आंसर है मिथाइल क्योंकि हम जो शराब का सेवन करते हैं वो इथाइल होता है और अगर हमने मिथाइल पी ली तो वो जहर है तो यहां पे आंसर डी हो जाएगा बहुत सही विराट आगे है भारी जल का एक प्रकार है शीतलक है मंदक है अयस्क है ईंधन है तो आपने एक वर्ड सुना होगा जो या फिर ट्रीटियम तो वो आपके मंदक होते हैं क्या होते हैं मंदक होते हैं ठीक है क्या होते हैं मंदक होते हैं आगे है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी चैडविक रदरफोर्ड बोहर न्यूट्रन ये चीज हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाले गोल्डस्टीन ठीक अगर बात करूं प्रोटॉन को ढूंढने वाले प्रोटॉन को ढूंढने वाले कौन जाएंगे बताना मुझे Sorry, 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 sorry. I'm so sorry. Goldstein, जो मंदक तो मंदक के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है देखो चैडविक यहां यहाँ पे आपके आंसर हो जाएगा जो मैं इलेक्ट्रॉन कह रही थी इलेक्ट्रॉन को करेंगे जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन को कौन करेंगे जे जे थॉमसन करेंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन ठीक है प्रोटोन को कर लेंगे गोल्ड स्टीन प्रोटोन को कौन कर लेगा गोल्ड स्टीन कर लेगा बचा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को करेगा चैडविक कौन चैडविक चलो ठीक है ओके आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है पैरामैग्नेटिक है पहला लोहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बताओ बताओ ऑक्सीजन हो जाएगा क्या ऑक्सीजन कोई बात नहीं ओके। आगे है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है सोना चांदी तांबा जस्ता बताओ जल्दी बताओ बताओ चांदी हो जाएगा सबसे अच्छी उष्मा की और साथ में आपकी इलेक्ट्रिसिटी को दोनों को ये जो अच्छे से करता है वो आपका चांदी आता है सिल्वर आता है ठीक गोल्ड नहीं होता विराट आगे है रक्त का पीएच कितना होता है 5.4, पॉइंट फोर सिक्स पॉइंट टू सेवन पॉइंट फोर एट पॉइंट सेवन बताओ इजी है 7.4 क्या हो जाएगा सेवन पॉइंट फोर हो जाएगा भाई सेवन पॉइंट फोर चलो आगे है कि दूध निमन का उदाहरण है निलंबन का जल का पायस का झाग का बताओ जल्दी से किसका है दूध अरे बेटा विराट सबसे अच्छा सिल्वर होता है गोल्ड नहीं होता है ठीक है उष्मा का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी ठीक है चलो चलो देखो लाइट नहीं कहा है उसने वहां पे इसने कहा है बिजली बिजली कौन से वाली इलेक्ट्रिसिटी ध्यान से देखा करो प्रश्न ध्यान से पढ़ो थोड़ा ठीक है तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा इमलजन क्या हो जाएगा इसमें से इमलजन हो जाएगा पायस हो जाएगा ठीक है चलो आगे है कि भी कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है पहला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन फोस्फोरस बताओ उर्वरकों में फर्टिलाइजर्स में बहुत इजी प्रश्न है कुछ भी नहीं है क्लोरीन देखा है क्लोरीन क्लोरीन देखा होगा क्लोरीन आपका कभी भी यूज नहीं होता है ठीक है यहां नहीं गोल्ड नहीं है सिल्वर है चलो नाभिक का आकार होता है कितना टेन की पावर माइनस टेन मीटर टेन की पावर ये पांच मीटर टेन की पावर नौ मीटर टेन की पावर माइनस फिफ्टीन मीटर बताओ जल्दी से चलो नाभिक का हो जाएगा टेन की पावर माइनस फिफ्टीन मीटर डी बहुत सही आगे है अमलीय विलयन में डुबोई जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है कैसा लाल काला श्वेत पीला बताओ जल्दी से बहुत इजी प्रश्न है बहुत अच्छे प्रश्न है और आपके रीट के लेवल तो बहुत शानदार है वैसे साइंस तो हर एग्जाम के लिए शानदार होती है ठीक है कोई बात नहीं यहां पे आंसर क्या हो जाएगा लाल अच्छा अमल क्या करता है एसिड क्या करता है हमेशा जो एसिड है ना वो ब्लू से रेड कर देता है ब्लू से रेड कर देता है परंतु वहीं पे आपके पास एक आता बेस। बेस है वो रेड से ब्लू कर देता है क्या कर देता है रेड से ब्लू कर देता है ठीक है चलो आगे है आपकी सूची एक और दो मिलानी है फिर से वही कूट आपके एबीसीडी में कुछ ऐसे आपको दिख रहे होंगे कि एक कौन सा का कौन सा, भी का कौन सा? तो पहले आपको दिख रहा है कि आपका मलेरिया मलेरिया किसको इफेक्ट करता है आपका किसको करता है भाई मलेरिया आपको इफेक्ट करता है रक्त की कोशिकाओं को क्या ये सही है क्या ये सही है ठीक है बिल्कुल करता है फाइसलेरिया वो किसको करता है आपकी लसिका ग्रंथि को किसको लसिका ग्रंथि को यानी कि फोरवाला जाएगा अच्छा एनाफिलस एनाफिलाइटस अच्छा एनाफिलाइटस ओके तो ये आपका ब्रेन को करता है ये किसको करता है ब्रेन को करता है ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया हम सबको पता है ल्यूकेमिया जो आपका करेगा बोन मैरो मस्ति इधर मस्तिष्क मत जा हो जाएगा यहां पे हो जाएगा यानी कि आपका सीक्वेंस क्या बनेगा पांच चार दो एक पांच चार दो एक यानी कि बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा आगे है आपका प्रश्न कि एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है कान मस्तिष्क आंख पेट बताओ जल्दी से बहुत इजी है बहुत इजी है चलो एल्जाइमर नाम से पता चल रहा होगा ना किसकी बात कर रहे हैं मस्तिष्क की बात कर रहे हैं ब्रेन की एल्जाइमर ठीक है चलो चलो आगे है कि शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है चलो कहां से भाई विटामिन से प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट से वसा से बताओ कहां से होता है उत्तकों का निर्माण भाई आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से है जो शरीर के पूरे शरीर को बनाते हैं अच्छे से कौन से हैं बिल्कुल प्रोटीन से किससे प्रोटीन से प्रोटीन से ठीक है मेरे घर आई हुई है मैं मिलता हूं पहले पारे पारे पारे। आगे है कि लार सलाइवा किसके पाचन में सहायक है सलाइवा इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ पहला है स्टार्च प्रोटीन रेशे वसा बताओ जल्दी से स्टार्च और स्टार्च को किसमें बदल देता है माल्टेज में माल्टेज में बदल देता है ठीक है आगे है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है वेन डज द ह्यूमन हार्ट फीटस स्टार्ट टू बीट अपने प्रिवर्धन के प्रथम सप्ताह में अपने प्रिवर्धन के तृतीय सप्ताह में अपने प्रिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में अपने प्रिवर्धन के छठे सप्ताह में बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हम्म hmm. माल्टोज तो यहाँ पे आपका फोर्थ जो वीक होता है एक बेबी बनता है है उसका फोर्थ वीक होता है, उस समय पे वो क्या करता है उसका दिल धड़कने लगता है सबसे पहले जो बनता है दिल ही बनता है ठीक है तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आगे है प्रकाश संलेषण की क्रिया के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं यहां पे आपका आंसर देना है यहां से देख के ठीक है ये क्लोरफिल आवश्यक है बिल्कुल आवश्यक है जल व सूर्य का प्रकाश आवश्यक है बिल्कुल आवश्यक है ऑक्सीजन आवश्यक है नहीं ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है यानी पहला और दूसरा दूसरा और तीसरा केवल दूसरा पहला और दूसरा यानी कि सी वाला आंसर पे सही हो जाएगा ठीक है चलो आगे है हमारे जीव का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है वह कौन सा है साइड पार्ट फ्रंट पार्ट बैक पार्ट सेंट्रल पार्ट ये मैंने बताया हुआ है बताओ जल्दी से नहीं, फोर्थ होता है तो आंसर आपका हो जाएगा भाई कौन सा फ्रंट पार्ट क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रंट पार्ट हो जाएगा अग्रभाग हो जाएगा मध्य नहीं होता देखो आपको ना बताती हूं एक स्टोरी है इसकी इसके पीछे एक स्टोरी स्टोरी क्या है कि जब आपको कोई इंसान मिलता है जैसे कि फॉर एक्जाम्पल ये आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की डायरेक्ट बात हो रही है आपने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देखा होगा तो आपने कहा हाउ स्वीट शी और ही इज स्वीट सबसे पहले स्वीट तो जी बे सबसे पहले क्या कहा आपने उसको देख के आपने कहा स्वीट ठीक है फिर आपने कहा क्या कहा थड़ी, थड़ी वो थोड़ी आपको थोड़ी यूज हो जाते हैं उसके अब वो नखरे मारना शुरू कर देता है ठीक है क्या कर देता है नखरे मारना शुरू कर देता है तो यहाँ पे उसके क्या हो जाते हैं नखरे मारेगा तो सीधी सी बात है सोल्टी आपको लगेगी पर नखरों को हम साइड में करके रखते हैं तो यानी कि साइड साइड में क्या जाएगा सोल्टी सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे सोल्टी आ जाएगा अब जो है आपकी कोई लड़ाई हो जाएगी कोई खटास आ जाएगी रिश्ते में थोड़ी सी ऐसे ब्रेकअप टाइप कंडीशन बन गई है ठीक है अब आपका क्या हो गया कंडीशन सावर हो गई है अब आप एक दूसरे से फिर दूर दूर भागना चाह रहे हो यानी कि फिर साइडों में रहोगे फिर क्या जाओगे सावर यहां यहां पे पे आ जाएगा क्या जाएगा क्या सावर यहां पे। खटास आ गई ठीक है फिर हो जाएगा ब्रेकअप अब आप एक्स हो गए एक दूसरे के अब आपको कता एक, एक दूसरा अच्छा नहीं लगता तो यहां पर आपका लास्ट में आ जाएगा बीटर तो आपका क्या होता है कड़वा स्वाद तो पार्श्व होता है मीठा आपका अग्रभाग में होता है पार्श्व में सॉरी पार्श्व कह रही हो पीछे जिसको बोलते हैं पार्श्व के अंदर खट्टा और आपका नमकीन होता है ठीक है चलो चलो क्या बात हो गई तो यहां पे आंसर क्या जाएगा अग्रभाग क्या बात हो गई बर, ब्रिज किशोर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शब्द पहली बार सुना है क्या मैंने पाप कर दिया बोल के ओ माई गॉड पाप कर दिया भाई मैंने तोबा तोबा चलो आप एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड बना लो भाई लोकेंद्र वैसे तो बननी नहीं है आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द फिफ्थ ग्रुप फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड की पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक शारी ऑक्साइड बनाता है पहला है आपका एन ए एस एस बी बी आई और ये आपके एलिमेंट्स के नाम हैं। याद रखना इस चीज को ठीक है नाम रख याद रखना इन सबके चलो चलो बिस्मत बिस्मिथ डी बिस्मिथ चलो आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है कौन सा यौगिक है कंपाउंड है संगमरमर पीतल ग्रेफाइट पेट्रोलियम कोक बहुत इजी है बताओ जल्दी तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा मार्बल संगमरमर क्या हो जाएगा संगमरमर चलो आगे है ये सूची एक को सूची दो से फिर मिलाना है अब की बार आपको जो बताना है ये बताना है किसका कौन सा सिंबल है ठीक है तो भाई सिंबल की बात कर लेते हैं यहां पे पहले बात चांदी की और हम सबको पता है चांदी को हम कहते हैं क्या ए जी यानी अभे गधे नहीं कहते इसका मतलब वो वाला नहीं है ये ए जी वैसे है ये सोना सोने को हम कहते एयू क्या कहते हैं एयू ठीक है ए यू? पारे को हम कहते हैं एच जी और शीशे को हम कहते हैं पीबी तो यानी कि आपका पहले क्या हो जाएगा आंसर भाई पहले वाले का दो चार पांच एक दो चार पांच एक यानी कि आपका ये वाला आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे ठीक है चलो आगे प्रश्न पे चले आगे है कि मानव समूह संबंधित है क्लास कोरडेटा के वर्ग प्राइमेटा से या फिर फाइलम कोरडेटा के अंतर्गत प्राइमेटा क्लास से यहाँ पे आपके बात क्लास है याद रखना या फिर फाइलम मेमेलिया से उसके अंतर्गत प्राइमेटा क्लास से या फिर फाइलम कोरडेटा से उसके अंतर्गत क्लास मेमेलिया से अब बताओ तो यहां पे क्या जाएगा भाई देखो कॉरडेटा आपका फाइलम है और मेमेलिया आपकी क्लास है तो यहां पे डी आंसर सही हो जाएगा क्या हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा हाँ जी बिल्कुल डी हो जाएगा ठीक है देखो यहाँ पे आप क्लास को डाटा क्या रखिए वर्ग प्राइमेट क्या रखा तो इन वर्गों का क्लास का ऑर्डर का इन सब का अंतर है ध्यान से पढ़ोगे तो चलो आगे है कि इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती मच्छरों द्वारा नहीं फैलती डेंगू फीवर फाइसेलेरिया निद्रालू मलेरिया, अलग से दिख रहा है सिकनेस, जो कि एक सीसी फ्लाई से फैलती है कहां से एक सीसी फ्लाई होती है उधर से ये फैलती है तो यानी आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा तीसरे वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा तीसरे वाला हो जाएगा ठीक है चलो ओके शिवानी आगे कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डूब जाती है तो उसके भार में क्या लिखा है अच्छा कोई वस्तु पूरी तरह से पानी में जब जाती है तो उसके भार में डुबो दी जाती है तो उसके भार का एक पांचवा भाग की कमी हो जाती है तो वस्तु का घनत्व क्या है बताओ जल्दी से इसने कहा है कि एक वस्तु है जिसको हमने क्या कर दिया है कंप्लीटली इमर्ज कर दिया है वॉटर में अब उसका जो वेट है वन फिफ्थ जो है हमने कम कर दिया है तो अभी बताओ डेंसिटी क्या होगी डेंसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की छह पांच चार एक बताओ जल्दी से बहुत इजी है बताओ 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 अच्छा घनत्व क्या होता है मास बाय वॉल्यूम ये होता है ये होता है अब यहाँ पे आपको कोई चीज बोली जाए तो आप क्या ही कहोगे यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल अगर आप निकालना चाहो तो न्यूमेरिकल आपका एक प्रकार से इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि आपको कोई दिखेगा कि भाई हाँ कुछ है ही नहीं यहाँ पे परंतु अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक चीज गिवन है वन बाय फाइव वेट के लिए बात की गई है यहां पे किसके लिए बात की गई है वेट के लिए बात की गई है और अगर ये वेट की बात है तो यहां पे वन बाई फाइव की बात हो रही है तो ये फाइव जो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो आपका सेम टू सेम डेंसिटी वाला पोर्शन चला जाएगा यानी कि आपका आंसर यहां पे बी हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है चलो।, चलो चलो आगे है पराबैंगनी प्रकाश की तरंग धैर्य कितनी इसकी लंबाई होती है चार माइक्रोन जीरो पॉइंट चार माइक्रोन या फिर दस पॉइंट जीरो चार माइक्रोन या फिर जीरो पॉइंट जीरो 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 चार माइक्रोन ठीक है चलो बताओ जल्दी ये तो कम हुआ क्या कम हुआ है बिल्कुल सही हर्षिदा ने सही कहा था ऊपर ओके शिवानी अरे भाई लोकेंद्र क्या हो गया ये कैसे कहा आपने कि मेरी जीएफ नहीं बनेगी जैसी तेरी हैं है, जैसी तेरी बातें जो बार-बार तू भेजे जा रहा है इस बात से साबित हो रहा है ठीक है अगर इतना ही समझदार होता तो कैसे ही कुछ कह देती मैं बी बिल्कुल सही हर्षिता जो स्मार्ट होते ना उन्हीं की नहीं होती क्योंकि तुम ओवर स्मार्ट बन रहे हो अभी आगे रहेगी जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिजा बढ़ जाती है त्रिजा कम हो जाती है त्रिजा अपरिवर्तित रहती है या फिर संकोचित कोलैप्स हो जाता है बताओ जल्दी से बताओ तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका कि उसकी त्रिजा बढ़ जाएगी क्या हो जाएगी उसकी त्रिजा बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी आगे है कि एमरी है क्या है एमरी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके अशुद्ध कोरेंडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण या फिर पोटाशियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम क्लोराइड बताओ जल्दी से पढ़ लो बी हो जाएगा इसका आंसर विराट बी हो जाएगा मिक्सचर ऑफ इम्प्योर कॉरेंडम और साथ में आयरन ऑक्साइड ठीक है बी हो जाएगा आगे है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफॉम वॉटर सोडियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फे बताओ जल्दी से हम्म बिल्कुल सही ए ए, बी नहीं होगा शिवानी शिवानी युवा राजपूत सो में कुछ कह नहीं रहा बाकी तो तुम फिर भी कुछ नहीं कह सकते समझ गए आगे है कि क्वार कौर्ट, क्वार जो होती है वो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव प्रकाश विद्युतीय प्रभाव या फिर आपका सीबैक इफेक्ट या फिर आपका पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव बताओ जल्दी से चलो मुझे ऐसी भीड़ नहीं चाहिए जो बकवास करती है मैं इसको हटाई दिया तो यहां पे आ जाएगा आपका पाइजो इलेक्ट्रिक प्रभाव यानी कि डी डी चलो आगे है कि छूतग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलाता है चेचक तपेदिक हेजास करवी बताओ कोई बात नहीं टूबरकुलेसिस हो जाता है तपेदिक 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 आगे है कि पौधों के पोषण के लिए सोलह तत्व आवश्यक होते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है पहला है बोरोन क्लोरीन, कोबाल्ट मोलिबिडनम बताओ जल्दी से ऑलवेज वेलकम शिवानी <laughs> कोई बात नहीं सी हो जाएगा कोबाल्ट हो जाएगा ये प्लांट न्यूट्रिशन के लिए इतना आवश्यक नहीं है चलो आगे है कि पौधे मृदा से अपना भोजन प्राय किस अवस्था में प्राप्त करते हैं विलयन की फॉर्म में सोल्यूशन की फॉर्म में कोलाइडल अवस्था में गैसीय अवस्था में या फिर सॉलिड अवस्था में बताओ सोल्यूशन में कैसे सल्यूशन में आगे है कि हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सी है जस्ता निकल नाइट्रोजन कार्बन बताओ तो भाई हम सबको पता है जो हीरा है हीरे का जो खनिजीय बनावट होती है वो कार्बन की होती है अच्छा चलो ठीक है मुझे ये बताना कि जो कार्बन है इसके अपरूप क्या क्या है आपसे एक चीज पूछ रही हूँ कार्बन, कौन से कौन से कार्बन आगे है कि टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग में चलती है या फिर यह टीवी की कंपनी पर निर्भर करता है या फिर श्रव व दृश्य दोनों एक साथ शुरू होता है बताओ बिल्कुल भेज देंगे संदीप जी भेज देंगे कोई समस्या की बात नहीं है बिल्कुल बिल्कुल कार्बन बिल्कुल सही चलो तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए वाला क्या हो जाएगा ए वाला आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए एक चीज मुझे बताना कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि जो टीवी होता है ना टीवी के अंदर कौन से कौन से कलर इस्तेमाल होते हैं ये आप मुझे बताएंगे ठीक है ठीक है, ठीक है? चलो इसी के साथ आगे चलते हैं देखो मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई आपका फतेब बैच जिसके अंदर आपके सभी सीईटी वाले एग्जाम से वो इंक्लूड होते हैं राजस्थान महापैक जिसके अंदर सभी चीजें वो इंक्लूड होंगी जो आपके पेपर के लिए नेसेसरी होती है क्लासेस टेस्ट सीरीज ई सब कुछ आपको पे इंटरवरी जो सी टी के अंडर हो या फिर दूसरा कोई एग्जाम है एल वाला ग्रुप डी वाला एल डी सी आर एस एम एस एस बी एल डी सी वाला पीसीआई वाला कॉन्स्टेबल महिला सुपरवाइजर कोई भी हो जो सीई के अंडर आता है वो वहां पे होगा साथ में राजस्थान एग्जाम प्राइम टेस्ट पैक जिसके अंदर आपको हंड्रेड से भी ज्यादा टेस्ट मिलते हैं जो कि अलग, अलग अलग एग्जाम्स के लिए है और अगर आप इनको बाय करना चाहते हो तो ये आपको सारे के सारे अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और आपको वहां पे करना क्या है देखो आपको यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको बता देती हूँ आपको ना एक कोड लगाना है इनको बाय करते समय क्या करना है कोड लगाना है जो है क्या वाई फोर फोर थ्री आर कोड क्या है वाई फोर फोर थ्री आर ये जैसे ही कोड लगाओगे आपको यहाँ पे सेवेंटीन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है चलो अब आगे है कि आपको देखो मैंने होमवर्क भी दिया है होमवर्क मैंने क्या दिया है कि आपको बताना है कि भाई आपके कार्बन का अपरूप क्या नाम बताने हैं ठीक है थीके? साथ में ये बताने हैं कि जो टीवी होता है टीवी के अंदर कौन से तीन कलर तीन कलर इस्तेमाल होते हैं वो कौन से कलर आपके होते हैं ठीक है ये चीज आप मुझे बताने वाले हैं साथ में सभी को जाते जाते क्या कर देना है वीडियो को लाइक कर देना है शेयर कर देना है कमेंट कर देना है सब्सक्राइब कर देना है और मोसोनिया जो है आपको फिर से मिलूंगी कल ठीक पांच बजे आपकी रीटी क्लास के लिए तो अभी के लिए गुड बाय हैव नाइस डे है